क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा कि एलिशा को लोग कहते थे कि ये तो हाथ धुलाने वाला है, ये एलिया के हाथ धुलाया करता है, उसको पानी भी गर्म करके दिया करता होगा, उसके बर्तन भी साफ करता होगा, उसको कपड़े भी धो के देता होगा। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जब जब कोई शिष्य जो है अपने गुरु के घर में आता है तो वहां पे क्या होता है, वो उसकी सेवा करता है। कितने जन समझ रहे हैं? और जैसे टीम आती है और वो चर्च को मैनेज करती है रात से लेके मीटिंग के एंड तक, तो लिखा ये जो सेवा है एलिशा यहां पर जब यर्दन नदी को पार कर लिया और वो स्थान जहां पर परमेश्वर ने एलिया को बताया था कि तूने यर्दन नदी पार करके वहां पे रुकना है और वहीं से तुझे स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, आमीन। तो ये बात जो है एलिया एलिया ने एलिशा को पहले क्यों नहीं कही कि इससे पहले कि यहोवा मुझे स्वर्ग में उठा के ले जाए, तू मुझसे मांग कि मैं तेरे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आमीन। वो वहीं पे भी तो कह सकता था, पहले गिलगाल से चले वो, पढ़ो जरा कहां से चले वो, गिलगाल से। वो गिलगाल से दो चले, दो जन चले, जब जब बैतेल में पहुंचे इसका मतलब है वो यहां से चले और दूसरे नगर बैतेल में पहुंचे तो वहां पर जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे उन्होंने एलिशा को देखा और एलिशा से कहा तुझे याद है, तुझे पता है कि परमेश्वर जो है वो तुझे तेरे स्वामी को स्वर्ग पे उठा लेने को आज। उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। क्या कहा उसने? कहता मुझे पता है मगर तुम क्या करो, चुप रहो। अच्छा अब एक नगर है, एक नगर को पार किया, आप सोचो तब पैदल जाते थे, आज अगर आप यहां से पठानकोट से यहां से 10 किलोमीटर दूर आप पठानकोट से बाहर आए हो है? तो बाइकों पे आए हो, गाड़ियों पे आए हो, जल्दी पहुंच गए हो। अगर आपको यहीं से पैदल जाना पड़े आपको, ये तो पठानकोट अभी छोटा ही है। उसने कहा यरीहो नगर, एक गांव को पार किया, फिर बेतेल वास बेतेल में गए, बेतेल में उसने कहा उन्होंने, फिर उसके बाद कहाँ गए, यरीहो में गए। तो यरीहो के वहां पे पहले बेतेल के पास्टरों ने उनके भविष्यद्वक्ताओं ने कहा उनसे कि तुझे पता है, इसका मतलब क्या था, वो था स्वर्ग जी चल गया, परमेश्वर ही हो उसको उठा के लेके जा रहा है, अब तू क्या करेगा। उनके कहने का मतलब था, वो कह रहे कि तुझे पता है, तुझे पता है। कहता मुझे पता है। केवल उन्होंने यही बातें नहीं कही, उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा कि अब तू हमारे साथ आ जा, क्योंकि अब तो एलिया यहां पे नहीं रहेगा। फिर जब जब यहीरो के पास पहुंचे वो यरीहो में, और वहां के भी पास भविष्यद्वक्ताओं के चेलों ने उसे आके घेर लिया, उसने कहा कि क्या तुझे पता है तेरे स्वामी को परमेश्वर यहोवा स्वर्ग पे उठा लेने के। उसने कहा मुझे पता है, तुम चुप रहो। और जब एलिया एलिया ने ये बात कही, क्यों कही, क्योंकि एलिया उसके साथ साथ था और देख रहा था कि कितने लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की, और ये इसने यही कहा कि तू चुप रह, मुझे पता है कि ये बात, मुझे पता है कि मैं किसके साथ हूं और किसके साथ जा रहा हूं। वो वहां पर भी कह सकता था एलिया तूने एलिशा तूने बहुत सेवा की है मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं तेरा ले हैंड कर दूं, मैं तेरे ऊपर अभिषेक दे दूं। वो वहीं पे भी कह सकता था, वो गिलगाल में। मगर आप जब इसको पढ़ते हो कि ये ऐसे नहीं है, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, तीसरा मोहल्ला लिखा, वो गांव थे, गांव नगर बड़े बड़े जहां पे पैदल जाना पड़ता था। आमीन। और लिखा गिलगाल से वो पैदल निकले, कितना पैदल चल चुके थे, फिर यरीहो में बेतेल में पहुंचे, बेतेल को पार किया, फिर यरीहो को पहुंचे, फिर यरीहो को पार कर लिया। सोचो कितनी जगहों को पार किया उन्होंने पैदल, और कई लोगों ने बीच में आके एलिशा को कहा होगा,
उसको तोड़ने की कोशिश की होगी। ये क्यों? क्योंकि एलिया भी बिल्कुल सामने था, एलिशा के साथ था, वो देख रहा था कि वो उसको परख रहा था, उसको जांच रहा था कि इसकी वफादारी कितनी है। और इसीलिए उसने लास्ट में आकर यर्दन नदी को, जब चमत्कार उसने यर्दन नदी को दो भाग किया जो उसके ऊपर चद्दर थी, उसने उस पे मारी और वो दो भाग हो गई यर्दन नदी का पानी, लिखा इधर और उधर हो गया। क्या हो गया? बोलो इधर और जब 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 उन्होंने उसको पार कर लिया, तब उसने कहा इससे पहले कि परमेश्वर यहोवा मुझे वो स्वर्ग पे उठा ले, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मांग, कहता मुझसे। सोचो पहले क्यों नहीं उसने कह दिया कि तू मुझसे मांग, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। कितने जन समझ रहे? एलिया सब देख रहा था, वो भी साथ में था। अभिषेक ग्रेस उसको मिलती है जो वफादारी से परमेश्वर के लिए काम करते हैं। अभिषेक उनके लिए है जो 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 परमेश्वर परमेश्वर का पीछा करते हैं, उसके लोगों का पीछा करते हैं। और जांच कर उसको पता था कि अब मुझको ग्रेस जो है, जो सामर अभिषेक है, वो एलिया से ही मिलेगा। उसने एलिया को पकड़ के रख लिया। आज आप जान सकते हो, आप चर्च में काम कर सकोगे। कितने जन समझ रहे हैं? परमेश्वर वफादारी देखकर अभिषेक देता है के बातें देखकर, है ना? जिस दिन कोई व्यक्ति कह देता है कि मैंने इतनी प्रार्थना की है, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, मैंने बहुत सेवा की है जी, उस दिन उसकी सेवा जीरो हो जाती है जिस दिन वो अपने मुंह से बोल देता है कि मैंने ये इतना काम ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि वो जिसको बता रहा है, वो व्यक्ति, वो चाहता है कि वो उसकी वाह वाह करे। अच्छा जी, तुसी बड़ी सेवा कीती थी? अच्छा जी, हाँ जी, बोले बड़ी बड़ी है? बड़ा काम किया, उसको उसका प्रतिफल मिल गया उससे। अब परमेश्वर नहीं देगा। इसीलिए अपनी तारीफ ना सुनो, अपनी महिमा ना करवाओ, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए ही रचे गए हैं, सृजे गए हैं, बनाए गए हैं कि हम परमेश्वर की ही महिमा करें। हर काम में, बात में, उठने में, चलने में, फिरने में, खाने में, कहीं घूमने जाएं, तब भी परमेश्वर की ही महिमा होनी चाहिए। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि अति प्रार्थना करके आए हैं। उसने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। आमीन। तो ये जो सामर्थ्य, ये आज भी परमेश्वर, बोलो आज और आग, आज और आग, जब पिंतेकुस्त का दिन बनाया परमेश्वर ने, उस दिन क्या हुआ आपने पढ़ा है, हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2। और सुनो, जब पिंतेकुस्त का दिन आया, क्या चाहता था परमेश्वर? उसने कहा तू देख लेगा अग्नि में घोड़े और रथों को, तू देख लेगा, मुझे देख लेगा जाते हुए, तो तेरे लिए हो जाएगा। उसने कहा जो तेरे ऊपर आत्मा है उसका दूना मसा मेरे ऊपर आ जाएगा। कहता उसने प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं रखी, उसने कहा इसके लिए तुझे ध्यान लगाना पड़ेगा।
उसने कहा यदि तू मुझे देख लेगा जाते हुए उठाते हुए, वो सारा सीन देख लेगा, वो फायर देख लेगा, वो आग देख लेगा, वो घोड़े में अग्नि में घोड़े में और रथ देख लेगा, आग वाले स्वर्ग दूत देख लेगा, तो वो आग जो है क्योंकि उसके कहने का मतलब मेरे पास नहीं है मगर परमेश्वर तुझे दे सकता है। आमीन। इसीलिए उसने कहा हे एलिया के परमेश्वर तू कहां है, कहां है तू? उसने जल पर मारा, चादर मारी और कहा हे एलिया के परमेश्वर कहां है तू? तो वो प्रकट हुआ। उसने ये नहीं कहा वहां पर अब दोबारा कि अब क्या एलिया अब तू कहां है, उसको पता था अब एलिया का परमेश्वर, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है। पहले मैंने टीचिंग ली, सब कुछ सीखा, प्रार्थना करनी सीखी, काम करने सीखे, अब एलिशा कुछ भी कर सकता था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हो चुकी थी। अब ट्रेनिंग थी उसकी कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। आमीन। जब जब कोई, मैंने बताया आपको पहले भी बताया कि जब मैं अपनी दुकान करता था तो उसके साथ में स्कूटर मैकेनिक की दुकान थी, तो वहाँ पे एक लड़का रखा होता था, तो वो उससे पहले, पता है जिसको काम सिखाते हैं तो वो लोग पहले उसको बहुत काम करवाते हैं, उसका जो भी अच्छा ये कर वो कर है? मगर उसका जितना भी बेनिफिट होता है वो उसके उस्ताद को ही होता है कि वो ले जाता है, वो तो सीख रहा है काम। और एलिशा की ट्रेनिंग थी वो एलिया ने ही देनी थी। अब क्या था, अब वो काम थे, वो बातें थी, वो आमना सामना था, वो आग से आमना सामना था एलिया का, एलिशा का, जो परमेश्वर की ओर से मिलना था। अब परमेश्वर की ओर से उसको सब कुछ करना था, इसलिए उसने कहा एलिया के परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तो उसने बताया मैं तेरे साथ ही हूं। लिखा जब उसने मारा, इतनी बात कही, चादर मारकर ये बात कही उसने, तो नदी का जल दो भाग हो गया, वो स्थल ही स्थल वापिस आ गया। और जो जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसे बोलते थे, देखो क्या बोलते थे उसे, वो बोलते थे उस, वो आए जो क्या तोड़ना चाहते थे उसे आए है? उसने कहा अब तो ये अकेला रह जाएगा, ये अकेला क्या करेगा? मगर परमेश्वर जब भी किसी को इस्तेमाल करता है अकेले को इस्तेमाल करता है। नबी एक ही होता है, एक नबी हो, एक बंदे को चुनता है प्रभु पूरी कलीसिया के लिए, एक नबी को चुनता है पूरी कलीसिया के लिए। और लिखा वहां पर जब जब उन्होंने देखा कि वो यर्दन नदी दो भाग हो गई है, तो उसने वो पचास उनके जो लोग थे जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो कहते हैं मुंह के बल गिरकर दंडवत कर दिया कि एलिया का आत्मा जो है वो एलिशा के ऊपर ठहर चुका है। ये छोटी बात नहीं है, ये पड़ोसी से कहो ये छोटी बात नहीं है। जो लोग उसको कह रहे थे हैं, और एलिशा ने क्यों नहीं कहा कि ये तो एलिया ने क्यों नहीं कहा एलिशा को क्यों बोल रहे हो आप भाई, वो तो मेरा चेला है, वो तो मेरा स्पिरिचुअल सन है, तुम क्यों उसको कह रहे हो उसको क्यों? वो उसकी परीक्षा हो रही थी, बिल्कुल चुप था एलिया और लोग उसको कहते जा रहे थे और एलिया चुप था और देखता जा रहा था कि ये सामर्थ लेने के काबिल है कि नहीं है। और वो निकला, उसने सबको बोल दिया तुझे क्या काम, तुझे क्या काम, तुझे क्या काम है? और लिखा वहां पर उस जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो थे उन्होंने देखा और लिखा वो कह दंडवत किया भूमि तक, मतलब कि लम्बे पै गए एलिशा दे अगे। कितने जन समझ रहे हैं? देखो भविष्यद्वक्ताओं के जो चेले थे हा? वो उसके आगे लिखा भूमि तक लेट गए, भूमि तक दंडवत किया उसे एलिशा को। कितने जन समझ रहे हैं? यदि आपका संबंध परमेश्वर से है, एक प्रार्थना करने वाले योद्धा के साथ है, यदि आपका आपका अगुआ जो है, आपका पास्टर जो है वो प्रार्थना करने वाला है कि फायर है,
तो उससे आपकी पहचान होगी। जब अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीही कहलाए तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने कहा इनो ये तो अनपढ़ हैं जी, ये तो साधारण मनुष्य हैं जी, इनको वहां से कैसे मिल गया ज्ञान, कितना कहां से मिल गया, इन्होंने अपनी ताकत से कुछ किया। उसने कहा नहीं, पतरस और यूहन्ना ने कहा नहीं, ये हमारी ताकत से नहीं है, उसी यीशु मसीह जिसको तुम लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया और मार दिया, दफना दिया, और वो मुर्दों में से जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हुआ है, वो जीवित है, उसी के नाम से ये लंगड़ा आज चला है और बड़ा चमत्कार हुआ है। तब कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा हाँ हाँ ये मसीह के साथ रहे थे, ये जो यीशु के साथ देखा था हमने, इसे इसीलिए कर पाए, तो वो आजाद हो गए, पहचान यीशु मसीह। यदि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, यदि आप पीछा करने वाले योद्धा हो, तो अभिषेक आपके ऊपर है, वो कोई नहीं रोक सकता।